बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल टॉक अबाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन प्लांट्स। सबसे पहले इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम टिश्यूज। प्लांट्स में ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यूज के जरिए होती है। फ्लोएम एक कंपाउंड टिश्यू है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। द सेल्स ऑफ द फ्लोएम दैट कंडक्ट ट्रांसपोर्ट आर शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट्स आर कॉल्ड सीव एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि फ्लोएम कंपाउंड टिश्यू है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। द सेल्स ऑफ द फ्लोएम विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स दे आर कॉल्ड सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स के अलावा फ्लोएम ऑल्सो कंटेन कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स और इन सम केसेस फाइबर्स, सग्लेरर्स एंड लैटेक्स कंटेनिंग सेल्स। सीव एलिमेंट्स के अलावा फ्लोएम में कुछ दूसरे किस्म के सेल्स भी होते हैं, मिसाल के तौर पर कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, ये तो अक्सर ही होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में या कहीं कहीं फ्लोएम टिश्यू के अंदर फाइबर सेल्स भी होते हैं, सेक्लेरेट्स भी होते हैं, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स भी होते हैं। लेटेक्स ये ऐसे सेल होते हैं जिनमें व्हाइट सा लिक्विड होता है। हाउएवर ओनली सीव ट्यूब सेल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। फूड की ट्रांसपोर्ट में, ऑर्गेनिक सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट में सिर्फ सीव ट्यूब सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। हमने ज्यादातर इन्हीं के बारे में बात करनी है। सीव एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीव एरियाज। सीव एलिमेंट्स की खास बात सीव एरियाज है। ये सीव एरियाज जो हैं, ये पोर्शन ऑफ द सेल वॉल वेयर पोर्स आर प्रेजेंट टू इंटरकनेक्ट द कंडक्टिंग सेल्स। सीव एरियाज क्या है? ये सीव एलिमेंट्स के अंदर उनकी सेल वॉल में वो जगह हैं जहां पोर्स मौजूद होते हैं ताकि एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट किया जा सके। आप ये एक इलोंगेटेड सेल है, ये जो इलोंगेटेड सेल है इसको सीव ट्यूब सेल कहते हैं। ये एक सीव ट्यूब सेल या सीव ट्यूब मेंबर है। इस तरह के सीव ट्यूब सेल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज होकर, अरेंज ओवर ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग पाइपलाइन, सेल की एक लंबी पाइपलाइन बनाते हैं जिसको सीव एलिमेंट कहते हैं। तो सीव एलिमेंट क्या है? सीव ट्यूब सेल्स की पाइपलाइन है। सीव ट्यूब सेल एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर एक लॉन्ग पाइपलाइन बनाते हैं और इसकी लेटरल वाल्स में ये वाल्स हैं जिनके अंदर पोर्स मौजूद हैं। जिस हिस्से में पोर्स मौजूद होते हैं उनको सीव एरियाज कहते हैं। ये सीव एरियाज खास तौर पर इनकी एंड वाल्स, ये एंड वाल्स हैं, एंड वाल्स में भी मौजूद होते हैं और जो एंड वाल्स में सीव एरियाज हैं उनको सीव प्लेट कहते हैं और इनके जरिए नीचे वाली सीव ट्यूब ऊपर वाली सीव ट्यूब के साथ कनेक्टेड होती है। तो सीव एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज बाय, सीव एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज बाय सीव एरियाज। सीव एलिमेंट्स की खास बात क्या है? सीव एरियाज हैं और सीव एरियाज क्या हैं? पोर्शन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल का वो पोर्शन वेयर पोर्स इंटरकनेक्ट द कंडक्टिंग सेल, जहां पोर्स मौजूद हैं और वो कंडक्टिंग सेल को
आपस में जोड़ते हैं। सीव एरियाज ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर आर आल्सो फॉर्म इन द एंड वॉल ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर। सीव एरियाज ऑफ सीव ट्यूब मेंबर, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी लाइन पाइपलाइन जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल पाइपलाइन जो है, ये सीव ट्यूब कहलाती है या सीव एलिमेंट कहलाती है। और इसमें एक सेल जो है यहां से लेकर यहां तक, एक सेल एक सीव ट्यूब मेंबर कहलाता है। सीव ट्यूब मेंबर की दीवारों में, वॉल्स में पोर्स हैं, और खास तौर पर जो एंड वॉल्स हैं उनके अंदर पोर्स हैं, और जो एंड वॉल में पोर्स वाले हैं ये, इसलिए इन एंड वॉल्स को सीव प्लेट कहते हैं, परफोरेटेड एंड वॉल जो है। सीव एरियाज ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर आर आल्सो फॉर्म्ड इन द एंड वॉल ऑफ द सीव ट्यूब मेंबर कॉल्ड सीव प्लेट, वेयर इंडिविजुअल सेल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल सीरीज कॉल्ड सीव ट्यूब एंड आल्सो अलाउ द ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स। ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब मेंबर है, ये वाला हर सीव ट्यूब मेंबर के साथ एसोसिएट होते हैं। ये एक सेल, लिविंग सेल, कंपेनियन सेल कहते हैं, हर सीव ट्यूब मेंबर के साथ एक या कई कंपेनियन सेल एसोसिएट होते हैं, उसकी सराउंडिंग में कंपेनियन सेल होते हैं। ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब मेंबर्स एंड कंपेनियन सेल्स आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा। सीव ट्यूब मेंबर और कंपेनियन, ये कंपेनियन सेल है और ये सीव ट्यूब मेंबर, दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड एटीपी एंड प्रोटीन टू सीव ट्यूब्स। तो हमने ये बात ये कही कि प्लांट्स में ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फूड की ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यू के जरिए होती है। फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, फाइबर्स, सक्लेरर्स एंड लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स। लेकिन जो फूड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीव एलिमेंट्स होते हैं। और सीव एलिमेंट्स की खास बात यह है कि उनमें, उनकी वाल्व में पोर्स होते हैं, और वाल्व में पोर्स वाले हिस्से को सीव एरियाज कहते हैं, और खास तौर पर उनकी एंड वाल्व में जो पोर्स होते हैं उस हिस्से को सीव प्लेट कहते हैं। और इंडिविजुअल सीव ट्यूब मेंबर, ये इंडिविजुअल सीव ट्यूब मेंबर है, एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट होकर एक लॉन्ग पाइपलाइन बनाते हैं जिसको सीव ट्यूब कहते हैं। हर सीव ट्यूब मेंबर के साथ एक या दो कंपेनियन सेल्स होते हैं जुड़े, और कंपेनियन सेल का सीव ट्यूब सेल के साथ कम्युनिकेशन जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होता है। ये कुछ और बातें भी हमें इस टॉपिक को सीखने के लिए चाहिए। ये फ्लोएम, ये जो सॉरी लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया, लीफ की एनाटॉमी, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, एपिडर्मस के दरमियान ये जो टिश्यू है जिसको मेसोफिल टिश्यू कहते हैं, अपर मेसोफिल जो है वो पैलिसेड मेसोफिल होते हैं जिसमें सेल कंपैक्टली अरेंज होते हैं, और लोअर साइड पे जो मेसोफिल है ये स्पॉन्जी मेसोफिल है, इसमें सेल इतने कंपैक्टली अरेंज नहीं होते, इररेगुलर अरेंजमेंट होती है। और फिर मुख्तलिफ जगहों पर वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में ये जो सेल्स हैं रेड कलर में, इनको बंडल शीट सेल कहते हैं, ये वाले बंडल शीट सेल्स हैं। और फिर नीचे की तरफ फ्लोएम, ये वाले सेल्स फ्लोएम के हैं, और ऊपर की तरफ जाइलम है। ये लीफ की एनाटॉमी दिखाई गई है। तो लीफ के वास्कुलर बंडल के इर्द गिर्द बंडल
शीथ सेल्स हैं और बंडल शीथ सेल्स के सराउंडिंग में मेसोफिल सेल्स हैं। अगर हम इसी हिस्से को देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया, ये मेसोफिल सेल दिखाए गए, ये वाली लाइन मेसोफिल सेल्स की, और मेसोफिल सेल के बाद जो है वो बंडल शीथ के सेल्स हैं। और क्योंकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर कंपेनियन सेल्स, और ये वाले जो सेल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल सेल्स जो हैं, ये सीव ट्यूब सेल हैं, और सीव ट्यूब सेल की अरेंजमेंट से लॉन्ग पाइपलाइन बनती है जिसको सीव एलिमेंट कहते हैं। और दूसरी तरफ अगेन कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा सेल्स दिखाए गए हैं। तो कुछ इस तरह से फ्लोएम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। तो फूड की सिंथेसिस तो हमें पता है कि मेसोफिल सेल्स में होती है, पैलिसेड मेसोफिल हो या स्पॉन्जी मेसोफिल हो, इनके अंदर फूड की सिंथेसिस होती है। तो फूड इन मेसोफिल सेल से निकलकर फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स में पहुंचनी है, जो सीव ट्यूब सेल्स हैं उनके अंदर जानी है। तो जो पैसेज है, जो पाथवे बनता है, मेसोफिल सेल्स, ये सारे एक मेसोफिल सेल से दूसरे मेसोफिल सेल से तीसरे मेसोफिल सेल से होती हुई फूड जो है वो बंडल शीथ सेल्स में पहुंच जाती है, ये बंडल शीथ सेल दिखाए, बंडल शीथ सेल से फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा से कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब सेल में जाएगी। तो जो पैसेज बनता है फूड का मेसोफिल सेल से सीव एलिमेंट्स में, वो कुछ यूं होता है कि मुख्तलिफ मेसोफिल सेल से होती हुई फूड बंडल शीट सेल के जरिए जो फ्लोएम पैरेन्काइमा में जाएगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा से फ्लोएम के कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से सीव एलिमेंट्स में पहुंचेगी। इसके बाद पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड की ट्रांसपोर्ट का पैटर्न क्या है, क्या फूड प्लांट्स में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है। हमने ये तो देखा कि जाइलम के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, क्या फूड के केस में भी ऐसा है या डिफरेंट बात है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली इन एन अपवर्ड और अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, फूड की ट्रांसपोर्ट बिल्कुल यही बात नहीं है कि फूड की ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ हो या ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसी बात नहीं है। ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल फूड की ट्रांसपोर्ट होती है एंड इज नॉट डिफाइंड बाय विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इसका ग्रेविटी के साथ भी कोई फर्क नहीं। तो पहली बात तो यह कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली इन एन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इज नॉट डिफाइंड विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन एक्सक्लूसिवली अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फूड की ट्रांसपोर्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन, फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए खास तौर पर वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन अकर फ्रॉम द एरिया ऑफ सप्लाई सोर्स टू एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म या स्टोरेज, जिसको सिंक कहते हैं। फूड की ट्रांसपोर्ट एरिया ऑफ सप्लाई से यानी सोर्स से टू एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन या एरिया ऑफ स्टोरेज सिंक की तरफ होगी। सोर्सेस आर द एरियाज वेयर फूड इज अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट, सोर्सेस वो एरिया होते हैं जहां फूड ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगी। मिसाल के तौर पर एक मेच्योर लीफ या स्टोरेज ऑर्गन, दोनों सोर्स हो सकते हैं। और सिंक्स आर द एरियाज वेयर फूड इज स्टोर्ड और मेटाबोलाइज, जहां फूड स्टोर होती है या यूटिलाइज होती है वो सिंक्स होंगे, मसलन रूट्स, रूट ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर, फ्रूट्स, इमेच्योर लीव्स, इवन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ये सारे जो हैं वो सिंक्स होते हैं। यहां हमने खास तौर पर देखा
कि जो स्टोरेज ऑर्गन है, स्टोरेज ऑर्गन यानी रूट जो है, ये सोर्स भी है और ये सिंक भी। ये किस तरह से सोर्स भी है और सिंक भी है? यहां पहले तो ये बताया कि यहां कि फूड की ट्रांसपोर्ट, इस डायग्राम में देखें कि जाइलम के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर की तरफ है, ये जाइलम दिखाई गई है। लेकिन फूड की, ये फ्लोएम है, फूड की ट्रांसपोर्ट ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकती है और ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज ऑर्गन मे बी सोर्स और सिंक। स्टोरेज ऑर्गन सोर्स भी हो सकते हैं, स्टोरेज ऑर्गन सिंक भी हो सकते हैं। मसलन इन बाइनियल्स, बाइनियल्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो दो सीजन जिंदा रहते हैं, जैसा कि रूट ऑफ शुगर बीट, चुकंदर की जो रूट है, इज अ सिंक इन द फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। इस तरह के प्लांट जो बाइनियल, जो दो सीजन जिंदा रहते हैं, उनमें पहले सीजन में रूट सिंक होती है। जैसे उसने शुगर बीट की एग्जाम्पल दी, चुकंदर में एग्जाम्पल दी, कि पहले सीजन में लीफ के अंदर फूड सिंथेसाइज होती है, उस वक्त लीफ सोर्सेज होते हैं और रूट के अंदर स्टोर होती है और उस वक्त रूट सिंक होती है। लेकिन नेक्स्ट सीजन में जब फ्लावरिंग शुरू होती है, जब फ्रूट बनने शुरू होते हैं, सीड्स बनने शुरू होते हैं, तो उस वक्त लीफ में फूड सिंथेसाइज नहीं हो रही होती उतनी। उस तक जो रूट के अंदर फूड स्टोर हुई थी, वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है ताकि वो ग्रोइंग फ्रूट को, डेवलपिंग फ्रूट को प्रोवाइड की जा सके। उस वक्त रूट जो है वो सोर्स के तौर पे काम करता है। पहले सीजन में रूट सिंक के तौर पे काम कर रहा होता है जब उसके अंदर फूड स्टोर हो रही होती है, और दूसरे सीजन में जब रूट की फूड यूज हो रही होती है तो उस वक्त रूट जो है वो सोर्स के तौर पे काम करता है। इसलिए स्टोरेज ऑर्गन सोर्स भी हो सकते हैं और सिंक भी हो सकते हैं। इसलिए उसने लिखा स्टोरेज ऑर्गन मे बी सोर्स और सिंक इन बाइनियल प्लांट्स। रूट्स ऑफ बीट इज अ सिंक इन द फर्स्ट ग्रोइंग सीजन बट बिकम सोर्स द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन व्हेन शुगर्स आर यूटिलाइज्ड इन द ग्रोथ ऑफ द न्यू शूट्स एंड फ्लावर। The movement in the phloem is from the source to the sink in most of the plants during the active photosynthesis. Food ki movement plant mein source se sink ki taraf hoti. Abhi tak humne ye baat padhne ki koshish ki ki plants mein food ki movement, organic solutes ki movement phloem ke zariye hoti hai. Aur phloem ke wo cells जो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो सीव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और सीव एलिमेंट्स सीव ट्यूब सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। सीव ट्यूब सेल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जो एंड टू एंड अरेंज होकर एक लॉन्ग पाइपलाइन बनाते हैं, जिसको सीव एलिमेंट्स कहते हैं। सीव एलिमेंट की खास बात सीव एरियाज है। सीव एरियाज सेल वाल के वो पोर्शन होते हैं जिनमें पोर्स होंगे जो एडजेसेंट सेल को आपस में कनेक्ट करेगी। सीव एरियाज सीव ट्यूब मेंबर की एंड वाल्व में भी खास तौर पर मौजूद होते हैं। ये जो एंड वाल्व में सीव एरियाज हैं, इनको सीव प्लेट कहते हैं। ये ओपन चैनल्स होते हैं, ये जो सीव प्लेट के पोर्स हैं, ये ओपन चैनल्स होते हैं, इनके जरिए फूड की ट्रांसपोर्ट एक सीव ट्यूब मेंबर से दूसरे सीव ट्यूब मेंबर में होती है। हर सीव ट्यूब मेंबर एक या एक से ज्यादा कंपेनियन सेल्स पर मुश्तमल होता है। और फूड की ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने बताया हमेशा फ्रॉम द सोर्स टूवर्ड द सिंक होगी, और सोर्स वो एरिया होंगे जहां फूड इज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट, और सिंक वो एरिया होंगे वहां फूड इज आइदर यूटिलाइज्ड और स्टोर्ड। और फूड की ट्रांसपोर्ट मेसोफिल सेल्स, मुख्तलिफ मेसोफिल सेल से होती हुई, फूड पहले बंडल शीट सेल में आ जाएगी, बंडल शीट सेल से फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा से कंपेनियन सेल से, और कंपेनियन सेल में सीव एलिमेंट्स में जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट। द थ्योरी कॉल्ड प्रेशर फ्लो थ्योरी
is the most acceptable theory for the transport in the phloem of the angiosperm. Angiosperm ki phloem mein food ki transport ko explain karne ke liye jo most acceptable theory hai wo pressure flow theory. We have a considerable evidence to support this theory. Is theory ki support mein acche khase evidences maujood hain. There are two main categories of theories to account for the movement of sap in the phloem. Phloem ke andar sap ki movement ko explain karne ke liye do kisam ki theories propose ki jati hain. Number one, active theories involving use of energy for the movement of material in the phloem. Ek kisam ki theories jo hain wo active theories hain jinme energy use hoti hai. और दूसरी किस्म की थीरीज जो हैं वो पैसिव थीरीज हैं इन विथ नो यूज ऑफ एनर्जी वाज इन्वॉल्व जिनमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती. द एक्टिव थीरीज हैव ऑल बीन अबैंडन्ड एज देयर इज नो मच एविडेंस टू सपोर्ट दीज थीरीज. जो एक्टिव थीरीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उनकी सपोर्ट में एविडेंसेस नहीं है और सिर्फ पैसिव थीरीज रह गई हैं. और पैसिव थीरीज जो हैं वो आगे दो किस्म की हैं, डिफ्यूजन और प्रेशर फ्लो थीरी. अगेन डिफ्यूजन इज फार टू स्लो. डिफ्यूजन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है. इट डज नॉट एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ शुगर मूवमेंट इन द फ्लोएम. ये फ्लोएम के अंदर शुगर की मूवमेंट को, शुगर की वेलोसिटी को, स्पीड को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. इन एवरेज द मूवमेंट, द वेलोसिटी ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज 1 मीटर पर आवर. फ्लोएम के अंदर फूड की जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर आवर है, लेकिन द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज 1 मीटर पर 8 शेयर. अगर डिफ्यूजन के जरिए फ्लोएम के अंदर सैप मूव करे तो 8 मीटर का फासला जो है वो 8 साल में हो, लेकिन एक्चुअली में फ्लोएम के अंदर जो फूड की वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर आर है. इसलिए डिफ्यूजन के जरिए फूड की मूवमेंट नहीं होती. ये इस किस्म की थीरीज जो हैं वो भी रिजेक्ट हो चुकी हैं. सो वी आर लेफ्ट विद द प्रेशर फ्लो थीरी. हमारे पास सिर्फ रह जाती है प्रेशर फ्लो थीरी. जो मेन टॉपिक है हमारा वो प्रेशर फ्लो थ्योरी है. प्रेशर फ्लो थ्योरी में सबसे पहले प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. अ हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मंच इन 1930s में एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मंच. उसने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया जिसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं. उसकी स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट इज डिराइवन बाय ओस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक. इस हाइपोथेसिस के मुताबिक सीव एलिमेंट्स में जो सॉल्यूशन का फ्लो है इज डिराइवन बाय ओस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर. ओस्मोसिस की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है सीव एलिमेंट्स में. वो प्रेशर सीव एलिमेंट्स में फूड को, सॉल्यूशन को सोर्स से सिंक की तरफ मूव करवाता है. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या है? Flow of solution in the sieve element is derived by osmotically generated pressure gradient between source and sink. Source और sink के दरमियान osmosis की वजह से एक pressure gradient बनता है. वो pressure gradient food को source से sink की तरफ move करवाता है. अगर ये definition अभी तक समझ नहीं आई तो आगे हम पूरा topic पढ़ेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी.
Now this hypothesis has been given the status of theory. उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. मुख्तलिफ स्टेप्स हैं. सबसे पहले नंबर वन, देखो बेटो ये जो है डायग्राम, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स जो हैं ये वाले दिखाए गए, ये सीव एलिमेंट है that comprises of sieve tube member. ये एक sieve tube member, ये दूसरा, ये तीसरा, और sieve tube member के दरमियान ये उनकी end valve में sieve plates हैं, ये वाली sieve plates, ये sieve plates, और ये sieve tube के साथ, ये साथ ही हमें xylem vessels दिखाई गई, ये xylem vessel. अब हर sieve tube member के साथ मुंसलिक एक companion cells, और कंपेनियन सेल प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए सीव ट्यूब सेल के साथ जुड़े हुए हैं. इस तरफ सोर्स है, ये लीफ के सेल है, सोर्स सेल है, सोर्स सेल में ये कंपेनियन सेल और ये मेसोफिल सेल, ये सोर्स. और इस तरफ आ जाए ये सिंक है, फ्रूट के सेल है, ये उसका कंपेनियन सेल और ये फ्रूट सेल्स. तो ये इस तरफ अगर हम देखें तो ये लीफ के सेल हैं, सोर्स सेल. ये लीफ का मेसोफिल सेल है, सपोज करते हैं ये लीफ का मेसोफिल सेल है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द मेसोफिल सेल, जब मेसोफिल सेल पे लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस होती है मेसोफिल सेल में, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है. तो पहली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस इन द मेसोफिल सेल्स एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज. लाइट की वजह से मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होती है और ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है. सम ऑफ दिस ग्लूकोज इज यूटिलाइज बाय द लीफ सेल बाय फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन, while the rest is converted into non-reducing sugar, sucrose. ये जो blue dots दिखाया था, bullet circle दिखाया था छोटा सा, ये glucose था और ये red जो है ये sucrose है. Some of the glucose is used in the respiration, while the rest is converted into non-reducing sugar called sucrose. मेसोफिल सेल में लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बना, उसमें से कुछ ग्लूकोज लीफ सेल ने अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया, द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज, सुक्रोज बन गई. दिस सुक्रोज एक्टिवली एंटर्स द कंपेनियन सेल थ्रू बंडल शीट सेल. ये सुक्रोज जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपेनियन सेल में पहुंच जाती है, बंडल शीट सेल से होती हुई, मेसोफिल सेल से, बंडल शीट सेल से होती हुई या और फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल से होती हुई सुक्रोज कंपेनियन सेल में पहुंच जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए. और फिर फ्रॉम द कंपेनियन सेल दिस सुक्रोज entered the sieve tube cell through plasmodesmata. यही बात repeat कर लेते हैं. Photosynthesis take place in the mesophyll cell. As a result, glucose is produced. Some of the glucose is utilized by the leaf cell for the respiration, while the rest is converted into non-reducing sugar sucrose. This sucrose actively enters companion cell through bundle sheath cells, and from the companion cells sucrose enters the sieve tubes through plasmodesmata. Ab sucrose sieve tube mein pahunch gayi,
सीव ट्यूब में जब सुक्रोज पहुंचती है तो सीव ट्यूब में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, इसलिए नियर बाई जाइलम से वाटर ओस्मोसिस के जरिए सीव ट्यूब सेल में दाखिल होता है. वाटर एंटर्स द सीव ट्यूब सेल बाई ओस्मोसिस फ्रॉम द नेबरिंग जाइलम वेसल. करीब वाली जाइलम वेसल से वाटर ओस्मोसिस के जरिए सीव ट्यूब सेल में दाखिल हो जाएगा. जब वाटर सीव ट्यूब सेल में दाखिल होता है ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द सीव ट्यूब सेल एट द सोर्स एंड. सीव ट्यूब का वो एंड जो सोर्स की तरफ है, जो लीफ की तरफ है, वहां वाटर की एंट्री की वजह से हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है. ये वो ओस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर है जो डेफिनेशन में जिसका जिक्र किया था. ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीव ट्यूब सेल, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन द सीव ट्यूब एट द सोर्स एंड. और दिस हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द सोर्स एंड डराइव द सुक्रोज अलॉन्ग विद द वाटर इन मैस फ्लो टूवर्ड्स द सिंक. जो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बना सोर्स एंड की तरफ, ये सुक्रोज अलोंग विद वाटर, सुक्रोज और वाटर को एक बल्क की शक्ल में, मैस की शक्ल में सोर्स से सिंक की तरफ मूव करवाता. सिंक पे पहुंचकर जब सिंक एंड पे फूड पहुंचती है, सुक्रोज पहुंचती है एट द सिंक एंड. Sucrose enters the companion cells through plasmodesmata. ये जब sink cell पे, sink side पे पहुंचती है food, तो sieve tube cell से sucrose निकलकर companion cell में चले जाती है plasmodesmata के जरिए, और companion cell से enter the sink cell actively. And from the companion cell, sucrose actively enter the sink cells. यूं फ्रूट के सेल में या सिंक के सेल में फूड पहुंच जाएगी. और वाटर लीव्स द सीव ट्यूब सेल, वाटर निकल जाएगा सीव ट्यूब सेल में, जाइलम में पहुंच जाएगा. वाटर लीव द सीव ट्यूब सेल एंड एंटर जाइलम वेसल लोअरिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द सिंक एंड. वाटर निकलता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम हो जाता है. हमारी बुक वाला इन सारी बातों को कैसे लिख रहा है देखते हैं. पहली बात, सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज इन द मेसोफिल सेल्स. द ग्लूकोज फॉर्म इन द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल यानी मेसोफिल सेल is used within the cell for respiration and the rest is converted into non-reducing sugar, sucrose. ये वाली बात थी कि जब लाइट पड़ती है मेसोफिल सेल पे, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उसमें से कुछ ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाता है, बाकी non-reducing sugar, sucrose बन जाएगी. Then entry of sucrose into the sieve tube. This sucrose is actively transported through the bundle sheath cell to the companion cell of the smallest vein in the leaf. ये जो sucrose थी mesophyll cell में बनी, वो जो सबसे करीब vein होती है उसके companion cell में चली जाती है. Actively transported into the companion cell through bundle sheath. उसके bundle sheath cell से होते हुए companion cell में actively transport हो जाएगी. Then the sucrose diffuses through the plasmodesmata to the sieve tube cell or sieve element, raising the concentration of sucrose in it. Companion cell से sucrose plasmodesmata के जरिए सीव ट्यूब सेल में चले जाएंगे और सीव ट्यूब सेल में शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी.
देन जनरेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब. जब सीव ट्यूब सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी, वाटर पोटेंशियल कम हो गया, द वाटर मूव्स बाई ओस्मोसिस फ्रॉम द नियर बाई जाइलम इन द लीफ वेन. दिस इंक्रीजेस द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट. ये वाली बात, जब जहां सोल्यूट पड़ता है, शुगर कंसंट्रेशन बढ़ती है सीव ट्यूब सेल में, क्रीप वाली जाइलम से वाटर ओस्मोसिस के जरिए सीव ट्यूब सेल में दाखिल होता है और यहां हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. फ्लो ऑफ सुक्रोज द सीव ट्यूब. दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मूव द सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंसेस इन द सीव ट्यूब सेल एंड मूव्स टू द सिंक फ्रूट एंड रूट. ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां बना, ये सुक्रोज को, दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को अलोंग विद द वाटर एक बल्क की फॉर्म में सीव ट्यूब में मूव करता है और सिंक की तरफ ले जाता है. अनलोडिंग फ्रॉम द सीव ट्यूब टू सिंक. द सेम सीव ट्यूब कनेक्ट्स टू द डेवलपिंग फ्रूट. वही सीव ट्यूब जो लीफ की तरफ से आई है वो सिंक से भी कनेक्टेड है, डेवलपिंग फ्रूट से भी कनेक्टेड है. सुक्रोज एंटर द कंपेनियन सेल बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. इट इज देन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द कंपेनियन सेल एंड इनटू द फ्रूट सेल. यहां सिंक एंड पे सीव ट्यूब सेल से सुक्रोज प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए किसमें गई, कंपेनियन सेल में, और फिर कंपेनियन सेल से एक्टिवली एंटर हो जाती है सिंक के सेल में, फ्रूट के सेल में. लोअरिंग ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट सिंक एंड. सिंक एंड पे वाटर मूव्स आउट ऑफ द सीव ट्यूब सेल बाय ऑस्मोसिस, लोअरिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हियर. इस जगह पर वाटर बाहर निकलता है और यहां अगेन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सिंक एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है. दस अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द लीफ एंड ऑफ द फ्लोएम एंड लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द फ्रूट एंड कॉज वाटर together with any other dissolved solutes to flow in bulk from the leaf to the fruit. To pressure flow theory ke mutabik jo high hydrostatic pressure phloem ke leaf end pe banta hai aur low hydrostatic pressure jo fruit ke end pe hota hai wo water aur usme maujood dissolved solutes ko ek bulk ki shakal mein leaf se yani source se fruit ki taraf move karta hai. तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी, अ प्रेशर फ्लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द सोर्स एंड सिंक. प्रेशर फ्लो थ्योरी के मुताबिक सोर्स और सिंक के दरमियान हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है. वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो फूड को एक बल्क की शक्ल में सोर्स से सिंक की तरफ मूव करवाता है. क्या कहना चाह रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस सीव ट्यूब सेल के लीफ एंड की तरफ यानी सोर्स एंड की तरफ और सिंक एंड की तरफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है. हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है लीफ एंड की तरफ और लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनता है सिंक एंड की तरफ, फ्रूट एंड की तरफ. और इस हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से फूड एक बल्क की शक्ल में, सुक्रोज एक बल्क की शक्ल में सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है. आखिर में एक और बात कही कि जो जगह जगह पर सीव ट्यूब एलिमेंट में सीव प्लेट्स मौजूद हैं, इनका क्या एडवांटेज है. द प्रेजेंस ऑफ सीव प्लेट्स ग्रेटली इंक्रीज द रेजिस्टेंस अलोंग द पाथवे.
ये रेजिस्टेंस पैदा करती हैं एंड द रिजल्ट इन जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव एलिमेंट बिटवीन द सोर्स एंड सिंक, जो मुख्तलिफ जगहों पर सीव प्लेट्स मौजूद हैं, ये फ्लो में पाथवे में रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और उस रेजिस्टेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है और मेंटेन आता है। सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट, अच्छा खासा प्रेशर का डिफरेंस प्रोड्यूस होता है बिटवीन द सोर्स एंड सिंक और वो मेंटेन रहता है। आखिरी बात, कंक्लूजन क्या है? द प्रेशर फ्लो थ्योरी अकाउंट्स फॉर द मास फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द फ्लोएम। प्रेशर फ्लो थ्योरी ये बात एक्सप्लेन करती है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एक मास की शक्ल में फ्लोएम के बीच में मूव करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट या कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मेसोफिल सेल टू द फ्लोएम टिश्यू इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। लीफ सेल से, ये लीफ सेल है, लीफ के सेल से कार्बोहाइड्रेट सीव ट्यूब सेल में जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। लीफ सेल से कार्बोहाइड्रेट सीव ट्यूब सेल में जाएंगे डिफ्यूजन के जरिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। लेकिन अब विद इन द सीव ट्यूब जो है वो मूवमेंट प्रेशर फ्लो है। विद इन द सीव ट्यूब मूवमेंट प्रेशर फ्लो है और फिर अगेन सीव ट्यूब से जब सिंक सेल में जाती है फूड तो अगेन डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये वाली बात लिखी है कि इट मे बी नोटेड दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मेसोफिल सेल टू द फ्लोएम टिश्यू इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देन इन द फ्लोएम टिश्यू सीव ट्यूब द मूवमेंट ऑफ मटीरियल इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये प्रेशर फ्लो है बच्चों, प्रेशर फ्लो थ्योरी। विद इन द सीव ट्यूब मूवमेंट प्रेशर फ्लो के जरिए एंड अगेन द सिंक सेल व्हेन द शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट आर पास फ्रॉम द फ्लोएम टिश्यू डिफ्यूजन एंड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट आइदर पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस। और फिर जब सीव ट्यूब सेल से अगेन फूड सिंक सेल की तरफ जाती है तो फिर डिफ्यूजन या कैरियर मीडिएटेड और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है। वो पैसिव भी हो सकती है, वो एक्टिव भी हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज इन प्लांट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।